सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरेश शंकर और आप देख रहे हैं हाउ टू मेक चैनल। और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सिंपल सा पबजी टिकर, जिसकी स्क्रीन से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पबजी गेम खेल सकते हैं। सो गाइज, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि भाई एक सिंपल सा पबजी टिकर बना के दिखाओ। सो गाइज, ये वीडियो खास आप ही लोगों के कमेंट के ऊपर होने वाला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से वीडियो क्लिप के बाद। तो पबजी ट्रिगर बनाने के लिए चाहिए आपको आइसक्रीम स्टिक, जो कि आपके कोई भी स्टेशनरी की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आइसक्रीम स्टिक जो होती है वो काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो ये हमारे पबजी ट्रिगर के लिए एक परफेक्ट मटेरियल है। तो आपको सबसे पहले इन आइसक्रीम स्टिक को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। जो पहला जो पार्ट है वो 2.5 सेंटीमीटर रहेगा, दूसरा जो पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर, और जो तीसरा पार्ट है वो हमारा 3 सेंटीमीटर रहेगा, और जो चौथा पार्ट है वो उसका कोई काम नहीं। तो हम इन सारे को सीजर या फिर कटर की मदद से अच्छी तरह से कट कर देंगे। तो और राइट गाइस, वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैंने इसको पहले से कट करके रखा है। और साथ में आपको 4 सेंटीमीटर का एक और पीस चाहिए, तो टोटली आपको 2.5 सेंटीमीटर का एक पीस चाहिए, 4 सेंटीमीटर के दो, और साथ में 3 सेंटीमीटर का एक, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको साइड में रख देंगे। तो आपको सिंपली 4 सेंटीमीटर के दो पीस पे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर देना है, जो कि मैं सुपर ग्लू यानी फेविकिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो नॉर्मली वाइट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर आप फेविकिक यानी सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। अब आपको एक दूसरा पीस लेना है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर देंगे और साथ में इसको फ्रंट वाले साइड पे यानी हमारा जो 4 सेंटीमीटर वाला पीस है उसके फ्रंट वाले साइड में कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। और इसके बाद आपको इसके सारे साइड को कुछ इस तरह से फेविकिक की मदद से स्टिक करना है, जिससे कि ये काफ़ी स्ट्रांग बना रहे। अब आपको एक दूसरा पीस चाहिए जो कि 2.5 सेंटीमीटर का है, और इसको स्टिक करना है 4 सेंटीमीटर के पीस के साथ। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर देंगे और साथ में इसको स्टिक कर देंगे 4 सेंटीमीटर वाले पार्ट के साथ, कुछ इस तरह से। तो अब आपको चाहिए स्क्रू, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, और साथ में चाहिए आपको एक वायर, जो कि मैंने इसके ऊपर का जो इंसुलेशन है उसको मैंने निकाल दिया है और आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली करना ये है कि इसको स्क्रू के ऊपर कुछ इस तरह से लपेट देना है। आप जस्ट लाइक मुझे फॉलो कर सकते हो। तो अब हमें हमारे पबजी बटन के ऊपर एक होल कर देना और वहाँ पे एक स्क्रू को लगा देना है। और इस स्क्रू को टाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर का, अगर आप चाहो तो स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हमें चाहिए डबल साइडेड टेप, जो कि आपको कोई भी स्टेशनरी या फिर जनरल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपको सिंपली करना ये है कि हमारे जो डबल साइडेड टेप है उसको हमारे पबजी बटन के ऊपर चिपकाना है। तो अब हमें चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल, हालांकि मेरे पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है, अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ टैबलेट के पैकिंग को, अगर आपके पास नहीं है तो आप भी मेरे देसी जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी जो पैकिंग होती है वो सिंपली मेटल से बनी होती है, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको सिंपली इसको कुछ इस तरह से कट कर देना है, यानी एक छोटे से पीस में कट कर देना है और साथ में इसको पबजी टिगर के ऊपर लगा देना है।
तो ऑलराइट गाइस, जो हमारा पबजी ट्रिगर है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। आप सिंपली मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप सिंपली एक पबजी ट्रिगर बना सकते हो और काफ़ी सिंपली आसान तरीके से आप इसको बना सकते हो। और साथ में इसको डेकोरेटिव भी मैंने किया है, तो इसके लिए मैंने रेड सेल टेप से इसके ऊपर कुछ इस तरह से डेकोरेटिव किया है। तो अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि ये कैसा वर्क करता है। तो इसको लगाने से पहले आपको एक सेटिंग करनी होगी जो कि आपके पबजी मोबाइल में करनी होगी। तो सबसे पहले आपको पबजी मोबाइल में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में जाने के बाद कस्टमाइजेशन पे, और साथ में जो हमारे L1 और R1 है उसको हमारे जो ट्रिगर है उसके नीचे लगाना है। तो आप सिंपली कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगा दीजिए और साथ में इसको सेव कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका कीमती टाइम देकर हमारे वीडियोस को देखने के लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद। सो